नेक्स्ट टॉपिक है कंसिडरेशंस फॉर सिस्टम प्लानिंग। इसका मतलब है कि जब भी सिस्टम बनाने से पहले सिस्टम को लेकर के प्लानिंग की जाती है तो उस समय किन बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, किन बातों को हमें हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब हम सिस्टम प्लानिंग करते हैं, तो इन्हीं बिंदुओं को, इन्हीं पॉइंट्स को कंसिडरेशंस फॉर सिस्टम प्लानिंग कहा जाता है। सिस्टम प्लानिंग करते समय जिस फैक्टर को सबसे पहले ध्यान में रखना है वो है टेक्निकल फैक्टर। टेक्निकल फैक्टर का मतलब होता है तकनीकी कारक, टेक्निकल फैक्टर। सिस्टम जिस टास्क को करने के लिए बनाया जाता है या सिस्टम जिस चीजों को अचीव करने के लिए तैयार किया जाता है, सिस्टम के उस टारगेट को अचीव करने के तरीके को ही उसकी टेक्निक कहा जाता है। टेक्निक का सीधा सा मतलब है जो जिस काम को करता है उसके काम करने का ढंग ही उसकी टेक्निक है। जैसे क्रिकेटर किस तरह क्रिकेट खेलता है वो उसकी टेक्निक है, प्लम्बर किस तरह से अपना काम करता है वो उसकी टेक्निक है, या इलेक्ट्रीशियन जिस ढंग से अपना काम करेगा वो उसकी टेक्निक है। तो उसी तरह से कोई भी सिस्टम के काम करने का उसका अपना ढंग, उसका अपना तरीका ही उसकी तकनीक कहलाएगी। तो यहाँ सिंपल सी बात यह कि जब कभी सिस्टम को लेकर प्लानिंग की जाती है तो सिस्टम के काम करने का ढंग उसका टेक्निकल फैक्टर कहलाएगा, उसके कार्य करने का तरीका ही उसका टेक्निकल फैक्टर कहलाएगा। तो ये बहुत जरूरी बात है कि सिस्टम को उस काम में तो परफेक्ट होना ही चाहिए जिस काम को लेकर उसे डिजाइन किया गया है, यही बात टेक्निकल फैक्टर दर्शाता है। टेक्निकल फैक्टर सिंपल शब्दों में यह बोलता है कि सिस्टम को अपनी टेक्निक में या जिस काम को करने के लिए उसे बनाया गया है उस काम को करने में परफेक्ट होना ही चाहिए। और यूं समझ लीजिए कि सिस्टम की प्लानिंग के समय ये तथ्य बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है कि सिस्टम का टेक्निकल पॉइंट स्ट्रांग हो, उसका टेक्निकल फैक्टर परफेक्ट हो। इट इन्वेस्टिगेट्स द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव, इट एनालाइज एंड डिटरमाइंस वेदर द सॉल्यूशन कैन बी सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। इसका मतलब यह है कि उस समय हमें ये एनालाइज कर लेना चाहिए कि जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं उससे जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होगा वो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या जो भी वो टेक्निकली परफॉर्मेंस देने वाला है वो टेक्निकली उन चीजों को जिसमें जो रिसोर्सेस हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेस उस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करेंगे या नहीं। कम शब्दों में यूं समझ लीजिए कि सिस्टम प्लानिंग के समय जो सबसे पहला कारक है वो है टेक्निकल फैक्टर, और इस फैक्टर में ओवरऑल इस बात पे एम्फेसिस किया जाता है कि सिस्टम जिस काम को करने के लिए बनाया गया है वो उस काम को करने की तकनीक में परफेक्ट और पूरी तरह से निपुण या दक्ष होना चाहिए। अगला फैक्टर सिस्टम प्लानिंग के समय जो ध्यान में रखना चाहिए वो है बिहेवियरल फैक्टर। इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यवहारिक कारक। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि सिस्टम कोई एकल एलिमेंट नहीं है या सिंगल एलिमेंट नहीं है, सिस्टम कई सारे एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, और उस सिस्टम में कई सारे एलिमेंट्स मिलकर एक पर्पस को अचीव करने के लिए कार्यरत होते हैं, वर्क करते हैं। अब क्योंकि सिस्टम में एक एलिमेंट नहीं है, कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये जरूरी हो जाता है कि सिस्टम के उन एलिमेंट्स का आपस में व्यवहार उचित होना चाहिए, और इंटरनल एलिमेंट्स के अलावा एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ भी उनका कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। जब तक उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बेटर नहीं होगा तब तक सिस्टम सही ढंग से बिल्कुल चल नहीं सकता। आप कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल ले लीजिए, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा फ्लो होने के लिए केबल्स का आपस में प्रॉपरली कनेक्ट होना जरूरी है। अगर केबल्स आपस में प्रॉपरली कनेक्ट नहीं होंगी तो कहीं भी पूरी तरीके से डेटा फ्लो नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि बात कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है, कोई भी तरह का सिस्टम हो एलिमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन और उनका आपस में व्यवहार बेहतर होना चाहिए, या ये नहीं कहा जाएगा कि अच्छा होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर के लिए कई सिस्टम इकोनॉमिकल होते हैं, इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं, मतलब उन्हें चलने के लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंस की जरूरत होती है। अब कुछ सिस्टम ऐसे हैं जिनको चलने के लिए फाइनेंस की जरूरत है और वो अपने कस्टमर से अच्छा व्यवहार रखने के कारण
उनसे पैसा लेना छोड़ दें तो ये ठीक नहीं है। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा, फाइनेंस नहीं मिलेगा, तो वो सिस्टम अपने आप अपना मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे और कभी ना कभी वो सिस्टम चलने में निष्फल हो जाएंगे, क्योंकि वो इकोनॉमिकल बेस्ड सिस्टम है। तो यहाँ पर ये कहना कभी भी ठीक नहीं होगा कि बिहेवियरल फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, बट सिस्टम के रूल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। या ये कहना ठीक होगा कि सिस्टम के एलिमेंट्स का जो भी बिहेवियर है वो उचित होना चाहिए और उनका कोऑर्डिनेशन आपस में बेटर होना चाहिए, भले इंटरनल एलिमेंट्स के साथ हो या एक्सटर्नल एलिमेंट्स के साथ। ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि अगर सिस्टम के एलिमेंट्स का बिहेवियरल फैक्टर ठीक नहीं होता है तो कहीं ना कहीं उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, आपसी समन्वय की कमी होगी और वो सिस्टम के पतन का कारण बनता है, सिस्टम के टारगेट्स को अचीव नहीं करने का कारण भी बन सकता है। अगला फैक्टर है ऑपरेशनल फैक्टर। ऑपरेशनल फैक्टर का सीधा सा मतलब ये है कि क्योंकि सिस्टम बनाया जाता है, स्वाभाविक है उससे रिजल्ट हमें तभी रिसीव होगा जब हम उसे ऑपरेट करेंगे, जब हम उसे कभी ना कभी इम्प्लीमेंट करेंगे या उसको चलाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि सिस्टम के सारे ऑपरेशनल एलिमेंट्स, यानी वो एलिमेंट्स जो सिस्टम को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हों, वो पूरी तरह से रेडी हों, पूरी तरह से तैयार हों। यहाँ पर मैं लीडरशिप क्वालिटी की बात भी करना चाहूंगा, क्योंकि सिस्टम कई सारे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर ऐसे एलिमेंट्स का होना भी जरूरी है जो लीडरशिप का काम करें। लीडरशिप एलिमेंट्स सारे बाकी के सारे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं और उन्हें सही दिशा में ले जाने के लिए फोर्स करते हैं। यहाँ पर लीडरशिप एलिमेंट्स बेसिकली ऑपरेशनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, वो एलिमेंट्स जो सिस्टम को चलाने में या उनको बाकी के एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर लीडरशिप क्वालिटी भी बैलेंस्ड होनी चाहिए। अननेसेसरी लीडरशिप क्वालिटी सिस्टम को खराब कर सकती है और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम अपने पर्पसेस को अचीव ना कर पाए। तो कुल मिला के ऑपरेशनल फैक्टर यानी उस फैक्टर को भी हमें ध्यान देना होगा जो सिस्टम को चलाने के लिए जवाबदार है, सिस्टम को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए जवाबदार है। ये यहाँ लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। इट डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वंस एज इट इज डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। यानी कि सिस्टम को जिस तरह से विकसित किया गया है, जिस तरह से लागू किया गया है, वो उसकी ऑपरेटिंग सदैव प्रभावशाली रहे, ये फैक्टर इस बात को श्योर करने के लिए कहता है। इट इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम एंड इट्स वर्किंग फिजिबल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट। वो ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहता है कि जो मैनेजमेंट है प्रपोज सिस्टम का, वो हमेशा बेहतर ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरमेंट प्रोवाइड करे। इट एनालाइजेस वेदर द यूजर्स विल बी अफेक्टेड एंड दे एक्सेप्ट द मॉडिफाइड और न्यू बिजनेस मेथड्स। जो नई नीतियां सिस्टम के द्वारा लाई जाती हैं या जो समय समय रहते बदलाव किए जाते हैं, वो बदलाव यूजर्स को अनावश्यक रूप से प्रभावित ना करें और यूजर्स के लिए कहीं ना कहीं मददगारी हो। ओवरऑल इस चीज का मतलब ये है कि जब भी कभी सिस्टम प्लानिंग की जाए तो प्लानिंग करते समय ऑपरेशन से संबंधित यानी प्रक्रियाओं से संबंधित गतिविधियों को प्लान करना, बेहतर तरीके से प्लान करना, प्रभावशाली ढंग से प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये सिस्टम प्लानिंग करते समय ध्यान में रखा जाने वाला एक मेजर फैक्टर है। अगला जो सिस्टम प्लानिंग के लिए फैक्टर है वो है इकोनॉमिकल फैक्टर। इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल फैक्टर यानी वित्तीय कारक। बहुत स्वाभाविक सी बात है कि सिस्टम कई बार इकोनॉमिकल नहीं होने के बजाय नॉन इकोनॉमिकल भी होते हैं। नॉन इकोनॉमिकल होते हैं, नॉन प्रॉफिट बेस्ड भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको चलने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की जरूरत होती है। देखिए कई बार हम बोलते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो संस्थान पैसा नहीं कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा, लेकिन फिर भी उसे चलने के लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है सिस्टम को सही तरीके से चलाने में, क्योंकि देखिए सिस्टम एक बार बनाना ही काफी नहीं होता, उसे लगातार रखरखाव की मेंटेनेंस की जरूरत होती है और मेंटेनेंस करने के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर ही रोल प्ले करता है, मेजर रोल प्ले करता है। और कई बार सिस्टम में को डिजास्टर फेस करने की भी आशंका होती है। जैसे आपने कभी सिस्टम बनाया, सिस्टम आगे चल के फेल भी हो सकता है, उस पर कई तरह के डिजास्टर्स भी आ सकते हैं। डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। जैसे कई बार हम देखते हैं कि कुछ समस्याएं, जैसे कोई हमने मशीन बनाई लेकिन उस मशीन में कोई समस्या आ गई, तो और ऐसी समस्या जिसको हमने पहले कभी प्लान ना किया हो या जिसके बारे में कभी सोचा ना हो, तो इस तरह की जो समस्याएं जो हमने कभी प्लान नहीं की हो और वो समस्याएं आना, ये आपदा कहलाती हैं, डिजास्टर कहलाती हैं। तो उन डिजास्टर्स को फेस करने का
एक ही तरीका है कि सिस्टम का फाइनेंशियल फाइनेंशियल फैक्टर स्ट्रांग हो, सिस्टम इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, वो इस तरह के डिजास्टर्स को फेस कर पाए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी कभी सिस्टम की प्लानिंग की जाए तो वित्तीय पक्ष को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिकल फैक्टर को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हम भी अपना घर का जब बजट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पर फाइनेंशियली हम लोग एक एक अमाउंट सेफगार्ड रखते चलते हैं, ताकि कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमने कभी प्लान नहीं की हो, तो उन परिस्थितियों को से उबरने के लिए, उन परिस्थितियों को से को मैनेज करने के लिए हम कहीं ना कहीं उस अपने सेफ फंड का यूज करते हैं। तो कुल मिला के बात ये कि जब भी कभी सिस्टम को प्लान किया जाए तो बाकी सारे फैक्टर्स भी अपनी जगह रोल प्ले करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है इकोनॉमिकल फैक्टर, कि हम इकोनॉमिकल फैक्टर उसका साउंड रखें, बहुत बेहतर रखें, ताकि वक्त जरूरत पड़ने पर या स्पेशली कभी आपदा आती है तो उस आपदा का प्रबंधन करने में हम समर्थ हो पाए। तो ओवरऑल सिस्टम प्लानिंग के ये चार बिंदु मैंने आपको बताए, जो चार बिंदु हमेशा ध्यान में रखना चाहिए प्लानिंग के समय। सबसे पहला मैंने आपको बताया टेक्निकल फैक्टर यानी कि तकनीकी कारक, इसके बाद बताया मैंने बिहेवियरल फैक्टर यानी व्यवहारिक कारक, तीसरा मैंने आपको बताया ऑपरेशनल फैक्टर यानी संचालित करने वाला तथ्य, सिस्टम को किस तरह से ऑपरेट किया जाए, और फोर्थ मैंने आपको बताया इकोनॉमिकल फैक्टर यानी कि वित्तीय कारक।